मॉर्निंग, पता है आज क्या स्पेशल है? आज है छाड़ो खाई। नहीं, आज छाड़ो खाई नहीं है, पर आज हमारे घर में छाड़ो खाई बनने वाला है, क्योंकि पिछला हफ्ता जो था वो काफी बिजी था, तो मैंने घर पे कुछ नॉनवेज बनाया नहीं है। आज जो है, आज मैं बनाने वाली हूँ, फ्रिज में मटन है, तो मैं आज मटन तरकारी बनाने वाली हूँ उड़िया स्टाइल की। तो चलिए चलते हैं, मटन तरकारी बनाते हैं। वैसे मटन तरकारी तो काफी बार मैं अपने ब्लॉग में और रेसिपी वीडियोज में बना चुकी हूँ, तो वो तो आप ऑलरेडी वहां पे देख चुके हो। आज तो क्या है, फटाफट मटन तरकारी बनाएंगे, क्योंकि छाड़ो खाई है, कुछ तो बनाना पड़ेगा। और आज शाम को जो है अपने ऑफिस की क्रिसमस पार्टी है। पार्टी है मतलब जूम मीटिंग में ही पार्टी होएगी, और बहुत सारे गिफ्ट्स और प्राइज मिलेंगे, तो आई एम ऑल एक्साइटेड। तो पहले मटन तरकारी बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि पार्टी की क्या तैयारी करनी है। मटन बनाएंगे कुकर में। मटन के लिए मैं पहले आलू फ्राई कर लेती हूँ। ये हो गए, इसे निकाल लेती हूँ। अब जाएगा इसमें तेज पत्ता, फिर प्याज, अब अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर नमक, हल्दी, मिर्ची, ये गए टमाटर और हरी मिर्ची। मसाला भुन जाए तो मटन डालकर इसे अच्छे से भून लूँगी, कुछ एक घंटा के आसपास। फिर आलू और पानी डालकर इसे प्रेशर कुक कर दूंगी। ये सीटी आ चुकी है, अब बस डाला इसमें गरम मसाला और यम्मी उड़िया स्टाइल मटन आलू झोलो रेडी। मटन बन चुका है, मस्त खुशबू आ रहा है, एकदम अमेजिंग। थोड़ी देर बाद चावल और मटन तरकारी टंकी फुल हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज शाम को जो है अपने ऑफिस की क्रिसमस पार्टी है, बाहर तो नहीं हो पाएगी कोविड के चक्कर में, तो इसीलिए जूम मीटिंग में ही होएगी, और इसलिए जो है थोड़ी सी तैयारी करनी है। कल से ही मैंने बाल जो है काला कर लिया है, क्योंकि मेरे बाल इधर से वो पुराने फिल्म के सासू माँ जैसे ऐसे सफ़ेद, वहाँ पे बस इधर ही सफ़ेद हुए हैं, तो मैंने उसको डाई कर दिया है। तो अभी मैं जुबान दिख रही हूँ, और ऐसे थोड़े ये सब भी साफ कर लेंगे, अपर लिप्स वगैरह घर ही पे कर लूंगी, और फिर जो है क्योंकि जूम मीटिंग है और कुछ दिखेगा नहीं, चेहरा ही दिखेगा बस, तो इसलिए मैं जाऊंगी दुकान से थोड़े से फैंसी हेयर क्लिप्स ले आऊंगी, क्योंकि वो तो दिखेगा चेहरा, तो वो लेने जाना है। और क्या करना है, घर थोड़ा साफ करना है, और बस इतना ही काम है। तो जाती हूँ, थोड़ी तैयारी शुरू करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ मॉल को, थोड़ा सा हेयर क्लिप्स वगैरह लेके आऊँगी, शाम को ऑफिस की क्रिसमस पार्टी है तो उसके लिए लेके आने वाली हूँ। कोविड के वजह से डर लगता है, तो इसीलिए मॉल खुलते ही मैं आ गई हूँ, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो जाए मॉल में। हो गई शॉपिंग, आ गए वापस। ये रहे मेरे हेयर क्लिप, और ऑफर में था तो थोड़े से हेयर क्लिप, इयर रिंग्स वगैरह सब ले लिया है, और अभी मैं भग भग के घर जा रही हूँ।
ये अपने अपार्टमेंट का क्रिसमस ट्री, इस बार इसको ज्यादा सजाया नहीं है इन लोगों ने। कोई ना, हम चलते हैं। शॉपिंग। बस घर वापस आके थोड़ा बहुत कुछ काम कर रही थी कि अभी एक मेल आया जिसमें विश लिस्ट है, मतलब सिलेक्टेड आइटम्स है जिसमें से आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो एक गेम खेलेंगे आज रात में जिसमें एक विल होगा और विल स्पिन होएगा, जिसका नाम आएगा उसी को पहले चूज करने का मौका मिलेगा गिफ्ट। तो अभी मैं क्या करूंगी, गिफ्ट को स्कैन करके पहले मतलब अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट बना दूंगी कि कौन सा मुझे चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, ताकि मेरा नंबर आए तो मैं फटाक से बोल दूं कि मुझे ये वाला चाहिए। ये SSD कौन डालता है इसमें भाई? अब जो है वो है, तो देख बोस स्मार्ट साउंड बार। ये गोप्रो हमने ले लिया पहले से, वरना यहाँ पे मिल जाता। ऑस्मो वाला भी है इसमें। बहुत बड़ी लिस्ट है यार। देखना भाई। सबने अपनी पसंद के चुन चुन के इसमें डालने हैं, तू भी डाल नहीं दे। नहीं पसंद के नहीं, ये जिम ने सारा सामान का लिस्ट बनाया है, इनमें से आप सिलेक्ट करके, आपको 45 सेकेंड्स मिलेगा पिक करने के लिए गेम के टाइम में। टीवी LG गेमिंग मॉनिटर। भी है। टीवी नहीं चाहिए। तो ऑफिस से लिस्ट आई है जिसमें से हम चूज कर रहे हैं कि हमको कौन सा गिफ्ट लेना है। बहुत सारी सामान है इसमें, तो जल्दी जल्दी फटाक से चूज कर लेती हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, और तैयार होके फिर पार्टी में जाना है। जाना क्या है, यहीं पे पार्टी होएगा, बट तैयार होना है। हो गया गिफ्ट का सिलेक्शन, अब रात को देखती हूँ कि मेरी बारी आने तक गिफ्ट बचती है कि नहीं। और अभी क्या है, अभी थोड़ी सी साफ सफाई करेंगे, और क्या थोड़ा सा रेस्ट करूंगी एक्चुअली, उसके बाद साफ सफाई करूंगी। शाम हो गई है, अभी चलती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। 6 बजे पार्टी है, अभी 4:30 हो चुका है, पर अंधेरा होने को है, जल्दी तैयार हो जाती हूँ। वैसे तो उन लोगों ने बोला कि क्रिसमस, वो जो अगली क्रिसमस स्वेटर है वो भी पहन सकते हो, पर मेरे पास है नहीं, तो मैं कुछ भी पहन के तैयार हो जाऊंगी। मैं तैयार हो चुकी हूँ और अब जो है फटाफट से कुछ स्नैक बना लेती हूँ क्योंकि जो पार्टी है वो काफी देर तक चलेगी, तो थोड़ा बहुत खाना तो चाहिए होगा। और घर ही से हो रही है तो खुद का खाना तो खुद ही ले जाना पड़ेगा। और ये मेरे पास देखो पंजाबी समोसा है, तो मैं इसको तल दूंगी और शायद नींबू पानी बना लेंगे, तो थोड़ा सा स्नैक हो जाएगा पार्टी के लिए। ये देखिए इतना सारा समोसा निकला इसमें, और इसमें चटनी भी है। तेल गरम हो चुका है यहाँ पर, तो जल्दी जल्दी से समोसा फ्राई कर लेती हूँ। समोसे बन चुके हैं, फटाफट से नींबू पानी बना लेती हूँ। सारा काम खत्म, और 6 बजने को अभी 15 मिनट है, तो अभी पार्टी टाइम। Jonathan, he's up. Okay, so I already know what I want. It was at the top of my list. I'm so glad that nobody else chose it. I'm gonna go with the AnyCube Mega 3D printer. हो गई मीटिंग
मीटिंग मजे आए, गेम खेला और प्राइज में मेरे को आज ड्रोन मिला है, ड्रोन। पार्टी हो गई तो अब पेट पूजा। बेटा तुझे क्या लगता है, मुझे कपड़ा बदल लेना चाहिए? कपड़ा बदलो भाई, कपड़ा बदलो भाई, ये पार्टी। एक काम, छाड़ो खाई का मटन, यमी, मजा आ जाएगा। शो जीतना, इसका रीजन ये है, मैं इस साल का बिग बॉस एकदम घटिया है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है इसमें, मतलब वाहियात। बट जो इंटरेस्टिंग था वो हमारी पार्टी में जो गिफ्ट मिले वो थे, मतलब जो लिस्ट था उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर मॉनिटर, कैमरा, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें। बट जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो था टॉयलेट सीट, मतलब क्रिसमस गिफ्ट में टॉयलेट सीट। ऊपर से दो लोगों ने टॉयलेट सीट लिया भी सही, मतलब ऐसे तो चॉइस दिया जा रहा था कि आप कुछ भी चूज करो और एक सामान सिर्फ दो ही बंदे चूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। आई वॉन्डर अगर बहुत ज्यादा नंबर होते तो कितने लोग टॉयलेट सीट लेते क्रिसमस गिफ्ट के लिए। बट हाँ, वो 25 मतलब $500 की टॉयलेट सीट थी, उसमें मतलब ऐसे सीट हीट हो जाएगी, मतलब ठंडी में आप बैठो तो गर्म हो जाएगा। तो टॉयलेट सीट क्रिसमस गिफ्ट में मिला था हमें, अपनी हमें मतलब मैंने तो नहीं चूज किया, ऑफकोर्स मैंने ड्रोन चूज किया, बट टॉयलेट सीट किसी का आइडिया था कि देंगे और लोगों ने चूज भी किया, तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। और ये थी मेरी आज की एक छोटी सी ब्लॉग, छोटी बड़ी जो भी है आज की ब्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आप सभी को मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।